ये भी ग्रीन टी है भैया, ये भी ग्रीन टी है, ये ओरिजिनल और लोकल की पहचान हो जाती है। हमारी माताएं बहनें हैं जो पुरानी मतलब हैं आज के 1900 दशक में के, तो वो इस चीज को 10-10 रुपए की समझती रहती हैं, लेकिन आज की जनरेशन क्या है, इन चीजों कंटेनर को देखते हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, समझती है चीजों की वैल्यू क्या है। ये देखिए ये ग्लोव्स के पीस हैं जी। अगर आप इस तरीके का आइटम रिटेल के अंदर 70-80 रुपए का खरीद रहे हो, क्या सदर बाजार में इतना सस्ता है क्या? 5 रुपए का आएगा ये, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ये बोल के सिर्फ बुलाया जाता है, दिया नहीं जाता है, ये चीज याद रखना। अपना पुराना रेट है 2-2.5 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। इसकी 5 साल की गारंटी और इसकी कहां 3 महीने 4 महीने की गारंटी। अपना पुराना रेट है 2 रुपए से है भैया रिटेल के अंदर, 5-10 रुपए बिकता है, 1 रुपए 25 पैसे 75 पैसे में लाला चाहता है, दिया नहीं जाता है। ये वेरायटी आएगी, ये देखिए 1 रुपए का है, 5 रुपए का आप बेच सकते हो, तो उसकी क्वालिटी देखो पहले, 7.5 के लायक ये माल है, मिलने वाली है, रेट वही है अपना, इसमें 2.5 रुपए से लेके 4.5-5 रुपए तक का पीस मिल जाएगा, ऐसे बच्चों के नजरिए वगैरह मिल जाएंगे। 1 रुपए 50 पैसे का है, 10 रुपए की जोड़ी बेच सकते हो आप। दोस्तों ये है दिल्ली का सदर बाजार, देख सकते हैं बीबी का इलाका है, यहाँ पर कसौटी ज्वेलरी होलसेल शॉप आ जाएगी। तो आज फिर से मैं लेके आया हूँ महाकाल भाई के पास। भाई क्या क्या दिखाने वाले हो? सही व्यापारी भाई को राम राम, जय श्री राम, जय महाकाल। देखिये भैया जो इस टाइम सीजन शुरू हो गया है, जैसे करवा चौथ है, भैया दूज है, दिवाली है, मेन ये जो वीडियो बन रही है वो बन रही है आपकी छठ पूजा दिवाली के उपसर पे, तो इसमें जो वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा सर से लेके पैर तक, चाहे वो कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी, अंडरगारमेंट, अपनी जो डीलिंग होती है वो सारे आइटम में होती है, अंडरगारमेंट, बैंगल्स, लेडीज पर्स, बेल्ट, परफ्यूम, लेडीज का हर आइटम अपने पास मिलने वाला है, लेकिन मिलता होलसेल में। भाई के चैनल पे आप मेरी वीडियो देखेंगे, हफ्ते भर में 2 या 3 वीडियो तो मैं अपलोड करता रहता हूँ, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहने वाला है क्योंकि मेरी जो दुकान रहती है वो रहती है फर्स्ट फ्लोर पे, दुकान 1 नंबर की है, वेरायटी जो दिखाने वाला वो 1 नंबर का, रेट 1 जेन्युइन रहता है। जब भी आप मार्केट में आते हैं आप देखेंगे हर कदम पे एजेंट घूमता रहता है, कार्ड लेके घूमते हैं सर। तो भैया इस मारे मुझे वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि हमारा दलाली वाला काम नहीं रहता, ठीक है ना, तो जेन्युइन काम है, जेन्युइन रेट रहेगा, इसलिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद रहता है, क्योंकि कई बार व्यूअर्स के मन में सबसे ज्यादा सवाल रहता है, भाई बोल रहे हैं कि इतनी वीडियो डलती है क्या खाली है। भैया मेरा वीडियो बनाने का मेथड यही रहता है, हमारे को क्या है, हम होलसेलर है, हमारे पास कोई 2 रुपए की चीज आ रही है, हम उसे 2.5 रुपए की आपको दे देते हैं, लेकिन आप वही चीज किसी दलाल के साथ लेके आएंगे आप, तो वो 2 की चीज ऑटोमेटिक आपको 4-5 की पड़ेगी। तो अपना कहना यह है जब भी आप आए स्क्रीन नंबर पर कॉल करें, जहां से भी आप आ रहे हैं वो मुझे बताएं, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली स्टेशन जहां पे भी आप उतरेंगे वहां पे लड़का रिसीव करना आएगा, ठीक है, बिना फोन करे नहीं आना है, ठीक है। अब ये हो गई आपकी बात समझाने की, मैं वैरायटी बताता हूँ, मैं वैरायटी स्टार्टिंग कहां से है, ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस भैया मेरे पास यहां से होती है जी। ये होती है लिपस्टिक, यहां से जो स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला ये रहेगा 2 रुपए, ठीक है। अपने पास एक चीज जो मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहता हूं और मेरी हर वीडियो के अंदर ये बात रहती है, 1-2 रुपए वाले इस वीडियो से दूर रहे, उसका मतलब ये है जो मैंने कही बात की, मैं जेन्युइन दुकानदार हूं क्योंकि 1-2 रुपए कभी कोई सामान नहीं आता है। मैं आपसे सभी व्यूअर्स को एक बात कहूंगा, जो भी आप जिसकी वीडियो देख रहे हैं 1-2 रुपए के लालच में कभी भी ना जाएं, क्योंकि 1-2 रुपए अगर वो आपको दे रहा है तो आप खुद सोचिए उसके क्या फ्री आ रहा होगा क्या, सिर्फ 1-2 रुपए में आपको 1000 किलोमीटर दूर से लालच से बुला लिया जाता है और पूरे बिल में वो 2-4 रुपए का आइटम के चक्कर पूरे बिल में घपला कर दिया जाता है, तो इस चीज से आपको सावधान रहना है, ठीक है। इस तरीके से स्टार्टिंग प्राइस 2 रुपए का पड़ता है, ठीक है, थोड़ी इससे ऊपर लोगे इस तरीके से आएगा आपका 4 रुपए, थोड़ा बढ़िया लोगे इस तरीके से आ जाएगा आपका 4.5 रुपए। इसके अंदर भी कॉपी ओरिजिनल की वैरायटी आती है, देखिए ये भी ग्रीन टी है भैया, ये भी ग्रीन टी है, ये ओरिजिनल और लोकल की पहचान हो जाती है, ठीक है। ये आपका 5 रुपए का पीस है, ये आपका 4.5 का है, इस तरीके से रेट बाय रेट क्वालिटी बदलती रहेगी। हर बॉक्स के पीछे इस तरीके से रेट डाल के दिया जाएगा जो आपको बेचने में आसानी रहे। सपोज करिए भैया ये मैंने आपको 5 रुपए का पीस बोला, तो इस तरीके से रेट लिखा होगा इस पे, 5 रुपए का पीस है, 60 रुपए का बॉक्स है, रिटेल के अंदर आप 10 रुपए 15 रुपए जैसे मर्जी सेल आउट कर सकते हो। ये आइटम इस तरीके से लिख के आपको सब आइटमों पे दिया जाएगा जो भी आपकी वैरायटी बनेगी, ठीक है। इससे ऊपर की आप बात करते हो तो इससे ऊपर की वैरायटी इस तरीके से स्टार्टिंग हो जाती है, देखिए फिर आपकी ऐसे आएगी 9 रुपए, थोड़ी बढ़िया लोगे कोई 12 रुपए, कोई 15 रुपए, कोई 18 रुपए। लोग तो इसको 1-2 रुपए। भैया मैंने आपको एक बात बोली ना भैया, भैया के चैनल पे मेरी रोज नहीं लेकिन हफ्ते भर में 2-3 वीडियो डलती है, आप मेरी कोई सी वीडियो देखना, चेहरा मेरा हर वीडियो पे भैया ने एक वॉलपेपर के तौर पे लगाते हैं जो मेरे कस्टमर उस चीज को देख पाए। भैया एक छोटी सी बात बताइए, ये कंटेनर है जी। आप रिटेल के अंदर जो भी इस लेडीज इस वीडियो को देख रही है, ठीक है, आज की जनरेशन इस चीज को कैच करेगी, लेकिन एक जो हमारी माताएं बहनें हैं जो पुरानी मतलब हैं आज के 1900 दशक में के, तो वो इस चीज को 10-10 रुपए की समझते रहते हैं, लेकिन आज की जनरेशन क्या है, इन चीजों कंटेनर को देखते हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, समझती है चीजों की वैल्यू क्या है। रिटेल के अंदर ये कंटेनर कुछ नहीं, कम से कम
70 रुपए 80 रुपए 100 रुपए के बिकते हैं, और अगर ये मैट के अंदर निकल जाए कोई कंपनी का तो ये 100-150 रुपए तक का चला जाता है। लेकिन एक मैंने आपको बोला ना वीडियो के लालच में कस्टमर को बुलाया जाता है तो ऐसे दिखाए जाते हैं हमेशा वीडियो बनाने के लिए। ये देखो भैया ऐसे कंटेनर मिल जाएंगे 2 रुपए 3 रुपए। अरे मेरी बहन उसका एक पीस का स्क्रीनशॉट ले, दिमाग में उसको बिठा और किसी रिटेल की दुकान पे जाओ, आप उस पीस को देखेंगे रिटेल वाला आपको कम से कम 70 रुपए 80 रुपए का वो पीस बताएगा। अब एक चीज देखिए ना, ये ग्लोस का आइटम दिखा रहा हूँ मैं आपको जी। ये देखिए ये ग्लोस के पीस हैं जी। अगर आप इस तरीके का आइटम रिटेल के अंदर 70-80 रुपए का खरीद रहे हो कि सदर बाजार में इतना सस्ता है क्या, 5 रुपए का आएगा ये, 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए ये बोल के सिर्फ बुलाया जाता है, दिया नहीं जाता है, ये चीज याद रखना। तो अपना जो जेन्युइन रेट रहेगा इस तरह के कंटेनर जो आप लोगे, कोई 12 रुपए कोई 18 रुपए कोई 20 कोई 25 कोई 35 कोई 40, इस तरीके की क्वालिटी जब आप मेरे से लेने बैठोगे तो इसमें अलग अलग मॉडल अलग अलग क्वालिटी आएगी। इसके अंदर मेरे पे 90 रुपए तक का पीस मिल जाएगा 9-10 रुपए से स्टार्ट होके, हल्का आइटम ये 2-3 रुपए में स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। अगर नेल पेंट की बात करूंगा तो देखिए नेल पेंट की वरायटी यहाँ से स्टार्ट होती है भैया, अपना पुराना रेट है 2-2.5 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। सपोज 2-2.5 रुपए का पीस है 30 रुपए दर्जन, ये आपका 30 रुपए दर्जन है, इसमें 3 दर्जन है, अलग अलग रंग है, 36 पीस आते हैं, 36 कलर आते हैं। ठीक है, 30 रुपए दर्जन के हिसाब से 90 रुपए की ट्रे रहने वाली है। बॉक्स के पीछे मैंने आपको बता ही दिया हर चीज पे रेट डाल के दिया जाएगा जिससे आपको बेचने में आसानी रहेगी। अब आ जाओ वीडियो वाली बात पे भैया, जो और व्यूअर्स दिखाते हैं इस तरह के कंटेनर दिखाए जाते हैं। भाई साहब मेरे पास आ जाओ 1 रुपए का कंटेनर है, तो मेरा बात वही है, कोई भी चीज का आपको रिटेल का जानना हो उसको स्क्रीनशॉट लो, किसी रिटेल की दुकान में जाओ, अगर कोई भी चीज़ आपको 100 रुपए 80 रुपए की बताई जा रही है और वीडियो के अंदर 1-2 रुपए बताई जा रही है, स्पष्ट रूप से समझ लेना वो लालच दिया गया है खाली बुलाने के लिए। इस तरह के कंटेनर ये डिस्प्ले आइटम होता है, इनकी 5-5 साल की गारंटी है, और वहीं पर ये जो मैं आइटम दिखा रहा हूँ इसकी 6-6 महीने की गारंटी होती है, क्योंकि नया व्यापारी होता है भैया, जाते ही तो उसकी ट्रे बिकनी जाएगी, बिकने में लगता है समय, तो उस दौरान अगर कोई भी आइटम सूख जाए तो वो एक्सचेंज कर सकता है। इसकी 5 साल की गारंटी और इसकी कहाँ 3-4 महीने की गारंटी आती है। तो ये जो आइटम होते हैं ये लॉन्ग टाइम चलने वाले आइटम होते हैं। आज की डेट में कोई भी एक लेडीज ऐसी नहीं है कि एक नेल पेंट को रेगुलर लगाती हो, एक बार लगा ली शायद महीने बाद ही दोबारा लगाए, तो ये आइटम साल बाद भी लगाएगी तो यूज हो जाता है। इस तरह के कंटेनर आप लोगे तो 7.5-10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए ये रेंज बाय रेंज क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। जेल पैटर्न लोगे कोई 18 रुपए कोई 19 रुपए है, इस तरह से मैट लोगे कोई 22 रुपए है, अलग अलग रेट में मेरे पे 3-5 रुपए से स्टार्ट होकर वेरायटी इसमें 35-40 रुपए तक के कंटेनर मिल जाएंगे। मैं अपने व्यूवर्स को कहूंगा बात स्पष्ट रूप से, मेरी कोई वीडियो आप जो देखना चाहो उठा के देख लेना, मैं माल दिखाने से ज्यादा आपको समझाने पे विश्वास रखता हूं, क्योंकि आप मेरे पे मैं 1-2 रुपए दिखा दूं आप मेरे हजारों किलोमीटर से दूर आए, मैं आपको बाद में कहूं भैया ये नहीं ये दिखाया था, ये नहीं ये दिखाया था, घुमाने से बढ़िया ये है। मैं आपको हाथ रख के आइटम बोल रहा हूं तो वो स्टार्टिंग बोल रहा हूं। इस तरीके से जेल पैटर्न का आइटम है तो ये वैरायटी 18 रुपए 22 रुपए 20 रुपए इस तरीके से स्टार्टिंग होती है। ऊपर मेरे साथ ब्रांड नॉन ब्रांडेड जैसा मर्जी माल ले सकते हो। ठीक है भैया, इस तरीके से अगर थोड़ी बिंदी वगैरह की बात करी जाए, इस तरीके से बिंदा अपना पुराना रेट है 2 रुपए से है भैया रिटेल के अंदर 5-10 रुपए बिकता है, 1 रुपए 25 पैसे 75 पैसे में लाला चाहता है, दिया नहीं जाता है। तो और जिसको मिल रहा हो ना, जो व्यूवर्स कह रहा हो कि भाई मेरे यहाँ तो वो फलाना दुकानदार है, उस बीरपाल की दुकान है, उसकी दुकान दे देता है, मैं आपसे कह रहा हूँ 50 पैसे या 1 रुपए जो बोल रहा है मेरी बुक करवा दो आप उससे, और जितना उसके पास हो या उसकी फैक्ट्री में जितना मेरे से माल ले जाए, 1-2 रुपए में जो भी आइटम हो आपके व्यूवर्स, मैं अपने व्यूवर्स को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कहीं से भी माल मिल रहा हो अपने भाई के पास लाएं, अगर वो 50 पैसे में दे रहा है 1 रुपए का मेरे को दे के चले जाएं, अगर वो 1 रुपए का दे रहा है 2 रुपए का मुझे दे दें, मैं आपसे जितना माल हो उतना माल लेने को तैयार हूँ, क्योंकि लालच में होता है भाई 1-2 रुपए का कुछ हो जाए, अगर मैं 1 रुपए का कुछ आपको दूंगा, मैं ये बिंदी 1 रुपए की आपको देने को तैयार हूँ भाई, ये क्या फ्री आएगी मेरे यहाँ से? मैं इतनी बड़ा व्यापार लेके बैठा पड़ा हूँ, 4 दुकानें मेरी चल रही हैं जिसमें चूड़ी कड़े ब्रा पैंटी पायल बिछिया टेलरिंग मटेरियल लेडीज पर बेल्ट परफ्यूम, इतनी दुकान है मेरी अपनी तो हो नहीं सकती। मैं आपसे कहूँ भाई साहब इतनी उम्र में मैं खरीद करके बैठा हूँ, भैया रेंट है किसी का 1 लाख है, किसी का 75,000 है, किसी का 30,000 है, कोई 40,000 है, मैं इतना रेंट दे रहा हूँ मेरी क्या फ्री आ जाएगी? मैं भी तो कुछ खरीद के ला रहा हूँ, तो मैं लालच में अपने व्यापारी को कभी नहीं बुलाता हूँ मेरे, इस चीज़ को आप कोई भी देखना इस तरीके से पक्के काम रहेगा। आप कोई व्यूवर्स कह रहा हो भाई साहब बोलना बोल रहा पक्का काम रहने वाला है, मुखिया पार्लर एंड कॉस्मेटिक फर्म का नाम है, विजिटिंग कार्ड है पक्का, अपने गारंटी का काम रहने वाला है, फोन करके आना है, बिना फोन करे आपको नहीं आना है। ठीक है, समझाना बहुत हो गया, मैं आपको वेरायटियां बताता हूँ। इस तरीके से कानों का टॉपर्स की स्टार्टिंग अपने पास होती है 1 रुपए से, 1 रुपए की पड़ने वाली है, यहाँ से रिटेल के अंदर आप कितने कम बेचोगे 5 रुपए का बेचो। मैं आपसे व्यूवर्स से कहूंगा 1 के डबल करने की सोचना तो ज्यादा बढ़िया है। नेल पेंट लिपस्टिक ये जो दिखा रहा हूँ इसके अंदर डबल कर सकते हो, 2 की 5 की बेकली 5 वाली 10 की बेकली इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद ये वेरायटी आएगी, ये देखिए 1 रुपए का है 5 रुपए का आप बेच सकते हो, इसके बाद ये आएगा 1 रुपए 25 पैसे का है, इसके अंदर छोटा साइज 5 का बड़ा साइज 10 रुपए का बेच सकते हो,
इससे ऊपर फिर इस तरीके की वैरायटी आएगी, ₹1.50 का पड़ेगा। इसके अंदर 2-in-1 होता है, ठीक है। रिटेल के अंदर आप आराम से ₹10 का बेच सकते हो। रेंज बाय रेंज क्वालिटी बढ़ती रहेगी, रेट बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको दिखा इतना बड़े दे भैया देखो 50 पैसे का है आ जाओ। भैया अगर एक छोटी सी बात है, ये कंटेनर में आपको क्वालिटी बोला ₹5 बिक्री, ये कह रहा हूँ छोटे बड़े ₹10 बिक्री, ये स्टोन वाला है ₹20 बिक्री, इस थोड़ा बड़ा चाय चले जाएगा ₹15-₹20 बिक्री। तो जैसे खरीद आती रहेगी उस हिसाब से रेट क्वालिटी बदलती रहेगी। ये नहीं कि ₹1-₹2 का मैं दे रहा हूँ तो उन्हें 5-5 का बेच लो। हर किसी की सेवा नहीं करनी होती है। आपको जैसे मैंने बोला नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, इन आइटमों में डबल होगा। तो ये जो आइटम होता है ये आपका घर का खर्चा चलाती है, ये डबल से ट्रिपल का आइटम होता है। एक की चीज 5 की 10 की डायरेक्ट निकल जाती है। इस तरीके से मंगलसूत्र की बात करूँ तो मंगलसूत्र की जो स्टार्टिंग मेरे पास होती है वो होती है ₹7.50, 2-4 रुपए में कुछ नहीं आता है भैया। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, आप कोई भी आइटम देखो सबसे पहले तो ये समझो सामने वाला बोल क्या रहा है। मैं आपको 7.50 का बोल रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी देखो पहले, 7.50 के लायक ये माल है। रिटेल के अंदर कितना ही नहीं बेचोगे तो 20-25 का बेच सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपको दिखाए इस तरीके का माल, ये देखिए ऐसे गारंटी वाला माल दिखाया जाता है, ये देखिए ये गारंटी वाला माल है, इस तरीके से लूज में हो गया, ठीक है। ऐसे क्रिस्टल वाला माल हो गया, मैंने कई वीडियो मैं भी देखता रहता हूँ खाली बैठे बैठे, तो ऐसा माल दिखाया जाता है। ये देखिए ऐसे ये गारंटी वाला आइटम दिखाया जाता है। आप मुझे एक चीज बताइए भैया, इस तरीके का गोल्ड प्लेटेड है भैया, जूम करके दिखाइए कभी मेरे व्यूअर्स को, इस तरीके का गोल्ड प्लेटेड आइटम है, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन के अंदर इसका स्टैंप लग रहा है, क्या ये आइटम कोई 10-20 रुपए का होता है? नहीं, नहीं, नहीं। सिर्फ ये बताई जाती है भाई साहब ऐसा ऐसा आइटम मिल जाएगा मेरे पास से, देखिए 15-20 रुपए में। भैया चिल्लाने से तो मैं भी समझा सकता हूँ कि चिल्ला चिल्ला के आप यकीन कर बैठो, लेकिन मेरा मानना ये है सामने वाला पैसा आराम का नहीं है, मेहनत का पैसा है। तो मेहनत की जगह लगे तो भैया उसके बाल बच्चे पल जाए, अपने तो चल ही रहा है जैसे रोजी रोटी चला रहा है महाकाल, ठीक है। तो अपना कहना है सामने वाला पैसा आराम का नहीं होता है, स्पष्ट रूप से बोल के दिया जाए, अच्छा लगेगा आ जाओगे, सस्ता लगेगा आ जाओगे। मैं आपको लालच देके बुला लूं सामने ना दूं तो कोई भाई कुछ नहीं है, पैसा आपका है, चाहे लुटाओ चाहे कहीं 1-2 रुपए चक्कर में आके लुट जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो अपना कहना साफ है भैया, जिसको बोलो स्पष्ट रूप से वैरायटी बोल के दे दो, ठीक है। इस तरीके से आप लूज के अंदर मेरे से लोगे गोल्ड प्लेटेड आइटम, इस तरीके से क्रिस्टल आइटम मिल जाएगा। यहाँ से जो पड़ेगा भैया ₹15-18, इसमें मेरे पे 35-40 रुपए तक की रेंज मिल जाएगी। अपना साफ कहना, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ तो एंड भी बोल के चलूंगा, ठीक है ना। इससे ऊपर की बात करूँ, इस तरीके से देखिए गले के सेट वगैरह, गले के सेट वगैरह का जो मेरे पर रेट स्टार्ट होता है वो इस तरीके से, लूज में लेने चाहो तो लूज में तो मेरे पर अलग अलग मॉडल मिल जाएगा, 30-35-40 इस तरीके, 2-4 रुपए में 5 रुपए कोई हार नहीं आते हैं, कहीं लालच आता है सिर्फ। ये लालच वाला इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कई बार भी वो 2-4 मिनट की काट के बैठ जाता है तो उसको समझ नहीं आती है। लास्ट तक देखोगे तो 5 बार बोलूंगा लालच के चक्कर में कभी मत व्यापार करो, 1-2 रुपए में कुछ नहीं आता है, सिर्फ कस्टमर को बहकाया जाता है, ठीक है। अब तुम्हें 1-2 रुपए वाली आइटम कह रहे हो ना तो सिर्फ 1 रुपए का टॉपस होगा, मैं आपको 1 रुपए की नेल पेंट नहीं दे पाऊंगा। देने के लिए ये आइटम होता है 1 रुपए का, खाली सिर्फ कहने के लिए होता है। ये आइटम दिखाए जाते हैं 1 रुपए में जो दुकान में आते हो, पर ये भी सूखने की तगाद पे होता है, ये एक्सपायर हो चुका माल है, ये पूजा पाठ के नाम के अलावा नहीं होता है। लेकिन बेचने के लिए 10 का बेच लो, पर ये किसी दुकान में क्वांटिटी अवेलेबल कभी नहीं होगी। लेकिन फ्रेश में अगर आप लेना चाहो तो यही आइटम 48 रुपए दर्जन, 90 रुपए दर्जन, 72 रुपए दर्जन, इस तरह की क्वालिटी में बल्क क्वांटिटी भी ले सकते हो, फ्रेश मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है। रबड़ की बात करूं, रबड़ मिल जाएगी आपको 90 पैसे 75 पैसे, पैसों वाले आइटम जो मैं कह रहा हूं तो वही बता दूं, सिर्फ 2-4 आइटम क्या होते हैं, टॉपस एक ऐसे रबड़ वगैरह मिल जाएगी आपको, इस तरीके से टिक टिक वगैरह मिल जाएगी 75 पैसे की, 5 की जोड़ी बेच लो, 1 रुपए 25 पैसे, 10 रुपए की जोड़ी बेच लो। इसमें स्टील पैटर्न में कहोगे तो स्टील पैटर्न में मिल जाएगा, 1 रुपए 50 पैसे की, 10 रुपए जोड़ी बेच लो। इस तरीके से रबड़ वगैरह फैंसी चाहिए वो भी अपने पे मिलने वाली है। इस तरीके से आप कानों के झुमके की बात करो तो ये देखिए झुमके वगैरह भी अपने अलग अलग में, इस तरीके की आइटम आप खुद देखिए रिटेल के अंदर आप 40-50 का खरीदते हैं। वीडियो में दिखाया जाता है, देखिए इस तरीके के आइटम दिखाए जाते हैं वीडियो में बड़े बड़े, देखिए भैया 5 रुपए 5 रुपए, भैया ये रिटेल के अंदर 100 रुपए 120 रुपए बिक्री का आइटम है, लालच में मत आओ। ये आइटम जब आप मेरे पास होलसेल में खरीदने आओगे ना जेन्युइन तरीके से तो आपको मिलेगा 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए, हाई रेंज जितना ले लो। और इस तरीके का हल्का आइटम लोगे तो ये मिलेगा आपको 12 रुपए 13 रुपए 15 रुपए, इस तरीके से झुमके के नाम की वैरायटी होती है। और हल्का आइटम की बात करूँ ना झुमके में तो ये सिर्फ ये वैरायटी आती है, ये देखिए ये डिस्प्ले आइटम होता है, ये दुकान में ऐसे डिस्प्ले लगाने के लिए होता है। इसके अंदर आपको 7.5 रुपए से लेके 12 रुपए 15 रुपए 18 रुपए, इस तरीके से रेंज बाय रेंज क्वालिटी मिलती चली जाएगी। अपना कहना साफ है, एक एक वर्ड साफ स्पष्ट रूप से कस्टमर को बोल के दिया जाए, ये ना बोला जाए भैया 7.5 रुपए का झुमका मिल जाएगा, वो आ जाता है बेचारा, भैया इस तरीके की वैरायटी 7.5 रुपए से है, इससे ऊपर रेंज लेना चाहो रेंज बाय रेंज मिल जाएगा मेरे पास जितना आप आइटम लेना चाहोगे, ठीक है भैया। इस तरीके से जो कानों का टॉपस हल्के में चाहिए आपको तो देखिए हल्का भारी सब दिखाता हूँ।
ऐसे क्रिस्टल आइटम मिल जाएगा। देखिए आपको एक रंग का लेना है तो एक रंग का लीजिए, वरना मैं आपको 12 डिजाइन अलग अलग मिक्स करा के दे दूंगा, एक पीस इसमें, एक पीस इसमें, एक पीस में, ऐसे मिक्स करा के भी आप मेरी दुकान से ले सकते हैं। इस तरीके का आइटम आएगा आपका 5 रुपए, जो वेलवेट वाला आइटम होता है, ये आइटम दुकान में दिया जाता है। सदर बाजार में आप कहीं भी चले जाना, ये आइटम जरूर मिलेगा, पर ये आइटम जो होता है वो 5 रुपए का होता है, जो दुकान पे दिया जाएगा। और ये जो आइटम जो लालच में झुमके दिखाए गए ना, ये आपको जब लेने बैठोगे तो 2-4-5 रुपए के बाद उनका नंबर जो रेट तुम 5 देख के आओ या 10 देख के आओ, देते टाइम आपको वो यही बोलेगा, भैया 35-40 रुपए, ये याद रखना। 5 रुपए का आइटम खाली ये है, क्योंकि देने लायक मैं आइटम बताता हूँ, मैं जिस पे आइटम पे हाथ रख रहा हूँ वो स्टार्टिंग और देने वाली, मैं दोनों वर्ड क्लियर कर रहा हूँ। अगर दे सकता हूँ तो ये आइटम है, 3.5 रुपए का है, मैं दे सकता हूँ, ठीक है। 5 रुपए का आइटम है ये, मैं दे सकता हूँ। इस तरीके का जो हार है ये, अब मेरी बात सुना, इस तरीके के मैचिंग का हार स्टार्टिंग में है, इस तरीके का मैचिंग का, ये हार नहीं है, इस तरीके का मैचिंग का हार लोगे वो 45-60 रुपए इस तरीके के स्टार्टिंग है। और इस तरीके के आप आइटम लोगे, कोई 90 है, कोई 75 है, ये वो रेट है, मैं दे सकता हूँ, कोई 90 है, कोई 75 है, कोई 60 है, कोई 120 है, इस तरीके की मिल जाएगी वैरायटी, मैं देने वाला रेट बोल रहा हूँ। तो स्टार्टिंग प्राइस का बड़ा अलग होता है, देने वाला रेट अलग होता है, वो मैं बोल के दे रहा हूँ सब स्पष्ट रूप से, ठीक है। इस तरीके से आपको कानों का वेलवेट एंटीक आइटम चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, इस तरीके से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड चाहिए वो भी अपने पास मिलने वाला है। ऐसे कान की बाली का रेट अपने पास वो ये 1 रुपए का, ये है 1 रुपए वाला आइटम, इसकी शक्ल देखिए 1 रुपए के लायक भी है, 1 रुपए के लायक है, 5 रुपए की जोड़ी बेच सकते हो। इस तरीके से गोल्ड प्लेटेड आइटम लोगे, स्टार्टिंग प्राइस में 3.5 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, लाइफ टाइम आइटम चाहिए तो लाइफ टाइम का भी आइटम मेरे पास मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से क्लिप वगैरह चाहिए तो क्लिप की स्टार्टिंग अपने पास 1.25 रुपए से हो जाती है, ऊपर जाए जितना मर्जी ले लो, थोड़ी बढ़िया लोग ऐसे 2.5 रुपए की आ जाएगी, आप 10 रुपए का इजिली बेच सकते हो, ठीक है भैया। ऐसे अगर आपको चाहिए कुछ पायल वगैरह तो वो भी अपने पास मिलने वाली है, पायल में कोई अपने पे लिमिट नहीं है, भरपूर माल रहने वाला है। अब थोड़ा करवा चौथ है, सीजन है, तो थोड़ा भैया 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाता है, कई मेरे व्यूवर्स कहते हैं भाई साहब आप भी कई बार दिखा देते हो नहीं दे पाते, तो भैया ऐसा होता है मेरे पास जो बल्क स्टॉक आता है वो मैं आपको देता हूँ, बाई चांस अवेलेबल नहीं होता तो डिफरेंस क्या है 1-2 रुपए बढ़ के आ जाता है। कोई भी चीज़ हमेशा मार्केट में डिमांड में होगी ना तो ऊपर से महंगी आती है, तो भैया मैं भी नहीं कि आपको लालच में 2 किए तो 2 रुपए की पकड़ा दी, तो ये भैया 2 रुपए की मेरे पे उस टाइम आई थी तो मैं आपको 2.50 रुपए दे दूंगा, लेकिन महंगाई का रेट 1.50 रुपए ही आता है, ये नहीं 2 की चीज़ डायरेक्ट 5-10 रुपए की, ऐसा नहीं है। तो पायल वगैरह का रेट अपने पास लोहे के अंदर 5-10 रुपए, गोटा चांदी 15-20-40-45 जैसे मर्जी आप ले सकते हो। इस तरीके से बिछिया वगैरह चाहिए, बिछिया वगैरह मिलने वाली है, रेट वही अपना इसमें 2.5 रुपए से लेकर 4.5-5 रुपए तक का पीस मिल जाएगा, इसमें 6 महीने गारंटी रहने वाली है, काला पड़ने पर आप मेरे से बदल के दूसरा आइटम ले सकते हो। इस तरीके से अंगूठियां वगैरह की बात करूँ, देखिए अंगूठियां वगैरह का रेट अपने पास पुराना रेट है अपना, कहीं वही वीडियो चला लेना, 2.5-3 रुपए इसलिए कह रहा हूँ भैया, कभी ये क्वालिटी थोड़ी बड़ी आ जाती है तो 3 में हो जाती है, हल्की आती है तो 2.5 हो जाती है, ये रेट मैं साफ कह दे रहा हूँ। 10 रुपए का हर बाजार में सेल कर सकते हो, थोड़ी बढ़िया लोग है तो इस तरीके से आती है, इसके अंदर आपको 4 रुपए से लेकर 7.5-9 रुपए तक का पीस मिलेगा, वो भी क्वालिटी वाइज, कोई छोटा साइज है बड़ा साइज है, होलसेल जो जेन्युइन वीडियो देख रहा होगा वो आपको समझ, वो इस चीज को समझ रहा होगा कि मैं एक रेट में फिक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये क्वालिटी ली जाती है हल्का छोटा साइज लोगे कोई 4.5 है, थोड़ा बढ़िया साइज भारी चले जाएगा उसका 1.50 रुपए बढ़ जाएगा, किसमें 25 पैसे बढ़ जाएगा, तो इसमें 9 रुपए तक का मेरे पास क्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है। इस तरीके से हल्के में चैन वगैरह लोगे, चैन वगैरह वही 5-10 रुपए बढ़िया जैसे मर्जी ले लो आप, ऐसे बच्चों के नजरिया वगैरह मिल जाएंगे 1.50 रुपए का है, 10 रुपए की जोड़ी बेच सकते हो आप। ऐसे काजल वगैरह पुराना रेट है अपना 2 रुपए से ऊपर, जितना मर्जी ले लो, दिखाने के लिए देखिए भैया बहुत वैरायटी है, कमी नहीं है, और अगर आप घर बैठे माल मंगाना चाहते हैं तो मिनिमम ऑर्डर 500 रुपए का भी रहने वाला है, नई दिल्ली सदर बाजार में दुकान रहेगी, और ऑर्डर वगैरह पार्सल कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भैया, ये इस तरीके से माल जा रहा है, ये माल तमिलनाडु का पैक और का है, ठीक है। इस व्यक्ति ने मेरा माल भी नहीं देखा, और देखिए इसके अंदर बिंदी है, टिक-टिक है, लेडीज पैड है, ये पैकेज है, पैकेज ये भैया देखिए ऐसे डब्बे के अंदर बिल डाल के दिया गया है, ये तमिलनाडु का कस्टमर है। अगर आप नए दुकानदार हो, कुछ नहीं समझते इस चीज को व्यापार में कि भैया करना कैसे क्या नहीं करना, 15,000-20,000-50,000 इस व्यापार में लगाई, मैं आपको सारी वैरायटी दूंगा। वैरायटी कैसे होती है देखिए, एक दर्जन नेल पेंट 2.5 रुपए की है, यानी 30 रुपए का डब्बा, 30 लिख दिया, एक आपको इसको दी 5 रुपए वाली 180 रुपए का डब्बा, 3 नेल पेंट, 3-4 लिपस्टिक, एक काजल लिपस्टिक, सिंदूर, लाइनर, मस्कारा, कानों का टॉपर, झुमके, बाली, रबड़, बिंदियां, पायल, बिछिया, लॉन्ग, मंगलसूत्र, इस तरीके से उसकी वैरायटी बना के ये मैंने कर दिया। ये देखिए, ये इसका बिल बना कस्टमर का, इसने मेरे को पहले 1,000 रुपये टोकन मनी लगानी पड़ती है, जब टोकन मनी लगेगी उसके बाद ही ऑर्डर लिया जाएगा, क्योंकि सीजन का टाइम है, मैं खाली आपसे टाइम पास नहीं कर सकता हूं, तो 1,000 रुपये पहले टोकन मनी, बाद में बिल बनाने के बाद आपको 1,000 रुपये काट के बाकी की पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप पेमेंट करोगे तब आपका आधार कार्ड के थ्रू माल भेजा जाएगा, बिल्टी आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। आकर माल बुक करना चाहो तो नई दिल्ली सदर बाजार में अपनी दुकान रहेगी, स्क्रीन नंबर पे आप कॉल करें, बाकी कभी समय मिलता है तो और नई वैरायटी के साथ मैं आपको दोबारा इस तरीके से मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री मां।